वेलकम बैक टू वेलकम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जब मैं गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम के टूर पे गया था उसके पैकेज के बारे में, तो सब बताऊंगा। उससे पहले ब्लॉग वीडियो सारे तो देख लिए होंगे, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो यार। हाय गाइस, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है जो गैंगटॉक और सिक्किम टूर के लिए जाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि खर्चा कितना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट वगैरह कब जाना ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तो चलिए गुप्तगू स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा लेकिन फुल डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि आप लोग भी कभी जब निकलेंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 7 नवंबर 2022। ये टाइम बहुत ही अच्छा रहता है गैंगटॉक या फिर नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए, क्योंकि जाते वक्त थोड़ा बर्फ भी देखने को मिलता है। आप लोग कहीं के भी हो, इंडिया के किसी कोन से भी हो या फिर इंडिया के बाहर से भी हो, आप लोगों को सबसे पहले सिलीगुड़ी जरूर आना पड़ेगा, ये मेन जगह है। सिलीगुड़ी बस टर्मिनस से आपको सिर्फ सुबह को 2 ही बस मिलेगी, 1:30 बजे को है, 1:08 बजे को, और इनका किराया 300 रुपए करके पड़ेगा पर हेड। इसके अलावा आपको वहाँ पर बहुत सारे सुमो मिल जाएंगे सुबह सुबह, आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से भी सुमो ले सकते हैं और सिलीगुड़ी से भी ले सकते हैं। ये आपका रिजर्व का अलग खर्चा है, अगर शेयरिंग होगा तो आपको वही 250-300 पड़ेगा पर हेड। इसके अलावा SNT बस स्टैंड है, यहाँ सुबह 6 बजे से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि हर घंटे AC, नॉन AC, लग्जरी AC चलता है गैंगटॉक के लिए। तो नॉन AC का आपका किराया पड़ेगा 190, 300 रुपये AC, और लग्जरी AC के लिए आपको 350 रुपये पे करना पड़ेगा पर हेड, जो कि आपको एक बार गैंगटॉक तक ले जाया जाएगा। जर्नी ट्रैवल आपका सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का 4-4.5 घंटा का करीब टाइम लगता है। हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया और बीच में एक जगह कालिम्पोंग पे एक बार रुका है गाड़ी, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, कोई वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए एक बार ठहरता है गाड़ी। अगर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं होटल का तो कर लीजिए, क्योंकि उस दिन आपको टाइम मिल जाएगा गैंगटॉक घूमने के लिए। तो सबसे बेहतर होगा आप कोई टूरिस्ट टैक्सी वगैरह कर लीजिए, इससे आपका सुविधा क्या होगा, आप लोगों को हर टूरिस्ट प्लेस गैंगटॉक का घुमा दिया जाएगा, क्योंकि आते वक्त आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका प्लान है जो गैंगटॉक में एक दिन ज़्यादा स्टे करने के लिए, तब आराम से आप आज का दिन रिलैक्स करिए और शाम को निकलिए MG मार्ग के लिए, वहाँ पर शाम को ज़्यादातर लोग आते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, ऐसे भी आपको ऑफलाइन में भी रूम मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन बुकिंग करके रहने से आपका क्या, आप बस स्टैंड से उतरेंगे, बस स्टैंड से उतरे अपने रूम में जा सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूँ और भी, कि आप लोगों को टैक्सी करना पड़ेगा, टैक्सी शेयरिंग में करेंगे तो 30 रुपये करके पड़ेगा, या फिर रिजर्व करेंगे तो अगर MG मार्ग के आसपास में आपका होटल है तो 150 रुपये के 120 रुपये के हिसाब से आप लोगों को किराया पड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ से प्लान था कि हम लोग पहले जाएंगे ईस्ट सिक्किम, उसके बाद ही नॉर्थ सिक्किम ट्रैवल करेंगे, और नॉर्थ सिक्किम का 2 नाइट 3 डे का पैक था। आप लोग 1 नाइट 2 डे का भी प्लान कर सकते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर कवर नहीं होगा 1 नाइट 2 डे में, तो सबसे बेहतर है 2 नाइट 3 डेज का प्लान। तो हमने भी वही किया, लोग जरूर एक काम कर लीजिएगा, अगर हमारे तरह आपको अगले दिन ही निकलना है कहीं, तो आप उस होटल में भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट पैकेज वगैरह कैसा है, कितना किराया पड़ता है, या फिर वहाँ एक जगह मत पूछिए, आपका होटल में अगर बातचीत हो गया तो आप जाइए वहाँ पर, तो हर एक दो दुकान के बाद एक टूरिस्ट टूर एंड ट्रैवल के एजेंट सब रहते हैं, 2-3 जगह पूछ लीजिए, किराया जहाँ कम होगा, पैकेजिंग जहाँ कम होगी, वह आप वहाँ से नक्की कर लीजिए, क्योंकि पैसा बचत होगा आप लोगों का ही होगा। आपको 800 रुपये करके ईस्ट सिक्किम के लिए पूछे पर हेड, और नॉर्थ सिक्किम के लिए भी बात कर लिए थे उनसे, उन्होंने बताया कि 3000 करके पैकेज है, ये है 2 नाइट 3 डे का। तो यही बेस्ट है, क्योंकि आप लोग घूमने जा रहे हैं, बहुत दिन बाद जा रहे हैं, तो यही बेस्ट ऑफर है, आप लोगों को 2 नाइट 3 डे का ही पैकेज करना है, इसमें आपको सब दिखेगा। एक बार जरूर आप लोगों को साथ में वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी जरूर लेके जाइए, 5-6 ज़्यादा कॉपी करवा लीजिए तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये परमिट के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सब रेडी सेडी हो जाए आप गैंगटॉक का टूर कर सकते हैं, तब तक के लिए
अगर आपका सब कंप्लीट हो जाता है तभी, क्योंकि अगले दिन हमारे तरह अगले दिन अगर निकलना हो तो गैंगटॉक की टूर कीजिए। हम लोग ने सब बातचीत करते करते हमारा 4 बज गया था, शाम होने लगी थी, तो हम सिर्फ गैंगटॉक का रोपवे तक गए थे। रोपवे आपको एक साइड से दूसरे साइड ले जाने के लिए पर हेड 65 रुपीज करके पड़ता है, दोनों साइड के लिए आपको 130 रुपए पड़ जाएगा। तो ऑल पेपर जमा कर दिए थे, सब बातचीत हो गया था, हमें ड्राइवर का नंबर टाइम मिल गया था। तो अगले दिन 9 तारीख को हम लोग निकलते हैं बाजरा स्टैंड के लिए, टूरिस्ट गाड़ी सब आप लोगों को वहीं से मिलेगा। तो आप अगर MG मार्ग में है तो वहां से आपको बता दिया कि 150 से 120 रुपए आपको किराया पड़ेगा बाजरा स्टैंड के लिए। आप पहले निकल सकते हैं अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 30-20 मिनट पहले निकलिए, क्योंकि वहां से आप लोगों का MG मार्ग से 1.5 किलोमीटर के अंदर पड़ेगा। आपका वहां गाड़ी 8:30 से 9 बजे तक छोड़ी देता है। तो हमारा टूर भी स्टार्ट हो गया और आपको स्टार्ट में ले जाया जाएगा नाथुला पास में। हाँ, एक बात बता दूँ, नाथुला पास जो कि ऊंची जगह है तो वहाँ पर आप लोगों को सांस की दिक्कत जरूर होगी, तो साथ में कपूर जरूर लेके जाना। और वहाँ पर रास्ते में आप लोगों को पॉपकॉर्न वगैरह भी मिलेगा, खरीद लीजिएगा, क्योंकि आप अगर पॉपकॉर्न खाते रहेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत कम होता है। उससे पहले आपको एक ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ दूर जाके ही, घंटे भर में जाके ही आपको एक दुकान में या होटल कहूँ, होटल में रुकाया जाएगा। आप वहाँ से चाय कॉफ़ी या फिर कुछ भी मैगी, हाँ वहाँ पर खाना का बहुत दिक्कत है, आपको सिर्फ मैगी मिलेगा। और राइस अगर चावल खाना चाहते हैं तो चावल अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती, तो कोशिश कीजिएगा जो खा सकते हैं आप लोगों को। और वहाँ का खाना पीना भी बहुत एक्सपेंसिव है, आपको नॉर्मली चावल 120-150 से स्टार्ट होता है। तब तक आप लोगों को 3:30-4 बज ही जाएगा और गैंगटॉक रुकते रुकते ऑलमोस्ट शाम हो ही जाएगा, तो आपको भेज थाली के लिए सिर्फ इतना देना पड़ेगा। तो और भी अगर बिरयानी वगैरह खाएंगे तो 300-400 तक आपका बजट जाएगा, तो आप जितना खर्चा कर सकते हैं आप कीजिए। हम लोगों का नॉर्मली तो भेज थाली चलता है, तो वहाँ भेज के लिए ऑर्डर दे दिए। अब नाथुला पास आपको डायरेक्ट ले जाया जाएगा आप नीचे की ओर। आप जब नाथुला पास पहुँच जाएंगे तो आपको सिर्फ 30-45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप नीचे फोटो शूट कर सकते हैं। वहां से आपको नाथुला पास में इंडो चाइना का बॉर्डर जरूर देखने को मिलेगा, नीचे की ओर फोटो शूट होगा लेकिन ऊपर फोटो खींचना मना है, ना ही खींचे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही पास में वहां पर बॉर्डर एरिया है, एक तार की माध्यम से दोनों बॉर्डर को अलग किया गया है, वहां सब आर्मी सब खड़ा रहता है, टचिंग करना मना है, तो वो सब ना ही कीजिए, घूमिए फिरिए, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। उसके बाद आप लोगों को वहां से घूमने के बाद ले जाया जाएगा न्यू हरभजन सिंह बाबा मंदिर। न्यू क्यों? क्योंकि अब पहले ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर था, अभी न्यू। आप लोगों का पैकेज में मेंशन किया होगा आपको सिर्फ नाथुला पास, छांगू लेक और न्यू बाबा हरभजन सिंह मंदिर ही विजिट कराया जाएगा। पुराने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हम लोग ने पर हेड 300 रुपए करके एक्स्ट्रा पे किए, तो जरूर जाना, 300 रुपए इतना बड़ी बात नहीं है। ओल्ड बाबा जी मंदिर न्यू बाबा जी मंदिर से ज्यादा बेहतर है, वहां पर का जो कि लोकेशन है वहाँ देखने में ज्यादा बेहतर है। और जाती वक्त आपको कांचनजंगा, अगर आपका किस्मत अच्छा हो कि बादल ना हो तो आपको कांचनजंगा का पूरा व्यू मिलेगा, एकदम बढ़िया मिलेगा, नंबर वन। तो ओल्ड बाबा जी मंदिर जरूर कवर कर लीजिएगा। तो हरभजन सिंह बाबा मंदिर से वापस लौटेंगे तब आपको विजिट करवाया जाएगा छांगू लेक में। वो दिसंबर महीना के अंत तक बहुत ही बर्फ में पूरा तरह से जम जाता है, दिसंबर जनवरी की स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ टाइम है। और वहाँ पर आप लोगों को यक मिलेगा, चमड़ी गाय, आप उसमें सवारी कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर बैठ के फोटो क्लिक सेल्फी वगैरह सिर्फ लेते हैं तो 100 रुपए करके लेते हैं एक आदमी के, अगर घूमेंगे तो 1400-1500 ऐसा किराया है। आपको थोड़ा दूर घुमाएंगे, मैं छांगू लेक के पास थोड़ा घुमाएंगे, इसी का 1500-1400 ऐसा ही किराया है। आते वक्त आपको बता दिए थे होटल पे फिर रुका जाएगा आप लोगों को खाना खाने के लिए, खाना पीना खा के आज का गैंगटॉक आप लोगों को उतार दिया जाएगा। तो आज का यही दिन खत्म हो जाता है। दूसरा दिन जो कि आप लोग निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम के लिए, बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए। इस बार भी आप लोगों को बाजरा स्टैंड से ही गाड़ी पकड़ना है। एक बात जो पहले बताना भूल गया कि आप रिजर्व करते हैं या फिर शेयरिंग में जाते हैं,
अगर आप लोग 8-10 लोग हैं तो आपका तो हो गया, एक ही गाड़ी में काम बन जाएगा, क्योंकि 9-10 या फिर 8 लोग लेके ही चले जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10 लोग लेके जाते थे, अब 8-9-10 जितना मिलता है निकल जाता है गाड़ी। अगर कम है, 2-4 लोग हैं, तो शेयरिंग बेस्ट होगा, क्योंकि रिजर्व अगर करते हैं तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। डे वन आपको लाचेंग के लिए निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको जाते वक्त सिर्फ दो ही जगह विजिट करवाया जाएगा, एक तो होगा बटरफ्लाई वाटरफॉल और एक नागा। तो हम लोग को नागा जाते जाते शाम हो गया था, उससे पहले आपको दोपहर में एक बार लंच करवाया जाएगा, ये आपका पैकेज में इंक्लूड रहेगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को बटरफ्लाई वाटरफॉल दिखेगा, जो कि यहाँ पर आई बटन में आपको ब्लॉग वीडियो दे चुका हूँ, यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को 15-20 मिनट टाइम मिलेगा, घूम लीजिए, घूमने के बाद आप लोगों को लेके निकल जाया जाएगा। हाँ, नागा वाटरफॉल जाते जाते कभी कभी शाम हो जाता है, अगर गाड़ी पहले ना निकली हो तो। और रास्ते भर में आप लोगों को छोटे बड़े वाटरफॉल और हिल्स, चारों ओर सिर्फ आपको हिल्स आपको देखने को मिलेगा, नदी देखने को मिलेगा, तो पूरा रास्ता आप बोरिंग कहीं नहीं होंगे। तो आपको स्टे रात को स्टे कराया जाएगा लाचेंग में, लाचेंग का होटल, और डिनर भी फ्री है, क्योंकि ये भी आपका पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। ड्राइवर आप लोगों को बता देगा कि अगले सुबह 5:30 बजे निकलना है, यहाँ से आप लोग को ले जाया जाएगा गुरुदोंग मार्ग और काला पत्थर भी, लेकिन काला पत्थर के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फीस से पे करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है काला पत्थर, तो इसके लिए हम लोग को पड़ा एक्स्ट्रा 400 रुपए करके। सुबह 5:30 बजे निकल जाएगा, जब आप लाचेंग मेन सिटी से निकलेंगे तब आपको देखेगा ग्लेशियर में सनलाइट पड़ती हुई, आपको जो देखने को मिलेगा आपका मन छूलेगा ऐसा कुछ, क्योंकि आंखों को सुकून मिलेगा। रास्ते भर में भी आपको फिर से हिल, ग्लेशियर वगैरह देखने को मिलता ही रहेगा। जब आप लोग निकल जाएंगे लाचेंग सिटी से, कुछ दूर ले जाया जाएगा, उसके बाद एक होटल में आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए रोका जाएगा, वहां पर आप लोगों को ब्रेड जैम मिलेगा, बाद आप लोगों को डायरेक्ट ले जाया जाएगा काला पत्थर। काला पत्थर में ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ रहती है, आप लोगों को 30 मिनट से मिलेगा वहां पर मौज मस्ती करने के लिए। वहां से आप लोगों को ले जाया जाएगा गुरुदोंग मार्ग, गुरुदोंग मार्ग का हाइट 17,800 फीट ऊपर है, वहां पर भी सांस की बहुत ही तकलीफ होती है, हटने चलने से दिक्कत होगी, तो आसपास में घूमिए, नीचे मत जाइए, दूर से ही जितना फोटो वगैरह ले सकते हैं उतना अच्छा है आप लोग। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट लाचेंग के लिए ले आएंगे लंच करने के लिए। लाचेंग में आप लोगों को लंच करवाने के बाद आप लोगों को लाचुंग के लिए निकाला जाएगा, लाचुंग आते आते भी आप लोगों को शाम हो जाएगा, आपको वहीं होटल मिलेगा, डिनर वहीं पर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को ड्राइवर फिर बता देगा कि कल सुबह 5:30 बजे को निकलना है, और आप लोगों को 0 पॉइंट जाने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का पैकेज में 0 पॉइंट नहीं है, सिर्फ यामथम वैली आप लोगों को ले जाया जाएगा, तब आप अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप लोग 0 पॉइंट जाएंगे। फिर के आप लोगों को सबसे पहले यामथम वैली 5:30 बजे निकलेगा, यामथम वैली ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को रेंट में कोट बूट वगैरह मिलेगा ठंड के लिए, क्योंकि 0 पॉइंट अगर जा रहे हैं आप लोगों तो ये सब रेंट कर लीजिए। हाँ, आप लोगों का ड्राइवर कमीशन बहुत खाता है, तो जिस होटल में आपको जैकेट और बूट वगैरह के लिए रोका गया है वहाँ रेट पूछ लीजिए, पास वाला रूम में पूछ लीजिए, क्योंकि कई 100 लेते हैं, कई 50 लेते हैं, कोई 30 लेता है, तो बार्गेनिंग आपका अधिकार है, बार्गेनिंग जरूर कीजिए, एक दुकान में ना हो तो दूसरे में तीसरे में जाके पूछ लीजिए। तो वहाँ आप लोगों का यमथम वैली में आप लोगों का जैकेट वगैरह लेके, बूट वगैरह लेके, हाँ अगर जैकेट नहीं लेना तो आप लोगों को 0 पॉइंट में भी बूट वगैरह मिलेगा, वहाँ शायद किराया और भी कम है, तो हम लोग यहीं से ले चुके थे, बूट हमारा 50 करके पड़ रहा था। सही है कि नदी गई है, देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोग आते हैं, हवा बहती रहती है, और चारों ओर तो सिर्फ आपको हिल ही देखने को मिलेगा, ग्लेशियर जो आपको मोह माया में ढाल देगा बिल्कुल। तो आप लोगों को वहाँ घूमने के बाद, आप लोगों को जाते वक्त जो यामथम वैली में रुके थे होटल में, तो आप लोगों को वहाँ पर आते वक्त आप लोगों को घुमाया जाएगा, जो आप यामथम वैली में अब आधा घंटा 1 घंटा आप स्टे कर सकते हैं,
जब आप यमथम वैली में घुसेंगे जाते वक्त सुबह को, तो आपको दोनों तरफ से बर्फ ही देखने को मिलेगा। हम लोग जब गए थे तो रात को स्नोफॉल हुआ था, तो और भी ज्यादा सारे जो पेड़ पौधे थे पूरा बर्फ से घिरे हुए, लगता है कोई व्हाइट चद्दर कवर एक बार ढाक दिया गया ऐसा लग रहा था। तो आप लोगों को जब जीरो पॉइंट से वापस ले जाया जाएगा, आपको फिर दोपहर को लंच करने के लिए लाचुंग में आपको खाना पीना करने के बाद आप लोग को फिर शाम होते होते गैंगटॉक में छोड़ दिया जाएगा। तो आपका ट्रैवल पैकेजिंग यहीं पर खत्म होता है। रात को वहां पर स्टे कर लिए गैंगटॉक पे, जाते जाते बहुत रात हो गया था, 8:30 बज गए थे। तो घूमना फिरना तो और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिनर करने निकले थे, डिनर करके सो के उसके अगले दिन हम लोग घर के लिए वापस आ गए। तो लगता है पूरा डिटेल्स आप लोगों को दे चुका हूँ, और कोई दिक्कत हो तो हमारा तो ब्लॉग वीडियो है, आप लोग डे वाइज डिवाइडेड किया हुआ है, day 1 to day 5 तक ब्लॉग वीडियो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हमारा जो बजट था अंडर 10,000 बजट था, 10,000 में आराम से हम लोग का गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम नॉर्थ सिक्किम कवर हो गया। तब तक के लिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।